हाय, व्हाट्स अप एजुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीडी एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है मेरा वो फिजिकल एजुकेशन से है। क्लास 11th बुक जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं फिर बता देता हूँ आपको। सरस्वती बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, पब्लिश बाय डॉक्टर वीके शर्मा। चैप्टर का नाम है योगा, चैप्टर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हिस्ट्री जो योगा की है फ्रेंड्स बहुत पुरानी है। जब योगा ओरिजिनेट हुआ था ये हमें नहीं पक्का पता कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था योगा, बट हमें सेकेंडरी सोर्स से ये पता चला है कि हमारा जो योगा है वो हमारी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था। क्योंकि कुछ स्कल्पचर्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, जिससे हमें पता चला है कि योगा इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। योगा मेंशन किया हुआ है, महाभारत में भी योगा का मेंशन है, रामायण में भी है और उपनिषद में भी है। एक्चुअली पतंजलि ने भी इसके बारे में लिखा है, 147 BC में पतंजलि ने भी इसके बारे में लिखा है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड योगा हैड बीन डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, और उस समय योगा बढ़ रहा है, बहुत बढ़े ही जा रहा है। इवन कबीर ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, उन्होंने भी अपनी राइटिंग में योगा का वर्णन किया हुआ है। तो जिससे पता लगता है कि योगा बहुत पुराना है। अब बात कर लेते हैं योगा और योगा के मीनिंग के बारे में। योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब, अब कई सारे ऑथर्स हैं, कई सारे लोगों ने योगा की डेफिनेशन अपने हिसाब से दी है। पतंजलि ने योगा को कहा है कि चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि योगा इज अटेनिंग द पोज। योगा का मतलब एक पोज को अटेन करना। स्वामी संपूर्णानंद ने कहा है योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु, द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज योगा। ये अगम जी ने कहा है। तो हर एक ने अलग अलग कहा है। आपको जो याद हो रही है आप वो लिख सकते हो। आपको तीन चार याद हो रही है तो तीन चार लिख दो। अगर एग्जाम में आप इन सब चारों की पांचों की लिखाओगे तो कोई एक मार्क्स नहीं कटेगा, और बल्कि लिखोगे तो अच्छी बात ही है। तो चेक करने वाले को लगेगा नहीं यार ये बच्चा पढ़ कर आया। और योगा का एक डेफिनेशन ये भी है कि इसका, योगा का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योगा है। योगा इज दी यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। तो ये भी आप योगा की डेफिनेशन में लिख सकते हो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप अगर आजकल की लाइफस्टाइल देखो लोगों की, तो वो लोगों को ज़्यादा टेंशन है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको बॉस की टेंशन, काम की टेंशन, घर की टेंशन और स्ट्रेस किसी भी चीज़ का ले सकता है वो। तो यानी स्ट्रेस बहुत हो चुका है लोगों की लाइफ में। अब उस स्ट्रेस को सही करने के लिए, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन भी आया था, अब इस सारी चीज़ों को सही करने के लिए वो क्या करता है? या तो म्यूजिक का सहारा लेता है, या डांस क्लासेस ज्वाइन करता है, या मेडिटेशन करता है, या फिर योगा करता है। तो योगा का भी सहारा ले सकता है इंसान अपने आप को सही करने के लिए। मेडिटेशन भी एक योगा ही है। ठीक है, हमारा माइंड सेट ये बना हुआ है कि यार योगा का मतलब वो आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ही सिर्फ योगा है ना। योगा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर मेडिटेशन आती है, आसन आते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो योगा एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि मॉडर्न एज बहुत स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जायटी भरी हुई है। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लीडिंग अ हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ। हैप्पी लाइफ नहीं जी रहे हैं ज्यादातर लोग। वो दे आर रनिंग आफ्टर मनी। वो सारे के सारे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पैसों के पीछे भागना बुरा नहीं है, सही है, बट वो लोग जिनके पास अभी भी पैसा है वो और पैसे कमाने के लिए आगे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है लाइफ में, उनको स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है। इस वजह से भी रीजन है आपका, कई लोग योगा में शिफ्ट हो रहे हैं या फिटनेस में शिफ्ट हो रहे हैं आजकल ज्यादा। परचेज रिलैक्सेशन डज नॉट प्रोवाइड हिम विद द पीस एंड सेटिस्फेक्शन इन द लाइफ। ही फर्दर स्किलिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ पीपल फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली दिस इज व्हाई सच पीपल आर फॉलिंग प्रे। तो कह रहे बस यही टेंशन की वजह, टेंशन स्ट्रेस होने की वजह से लोग योगा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप मतलब एक ये भी ऑप्शन है, आप योगा में शिफ्ट हो सकते हो, बट योगा में शिफ्ट होकर क्या क्या चेंजेस आएंगे मैं वो बता देता हूँ आपको। द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली शो दैट इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। वट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा? उसमें पहला पॉइंट आता है फिजिकली प्योरिटी। मतलब अगर आप योगा कर रहे हो तो आपका कई सारी योगिक क्रियाज होती हैं इसके अंदर। योगा में कई सारी योगी, अगर आप में से किसी ने योगा किया होगा या योगा देखा होगा तो
क्योंकि अंदर कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, कई ऐसे एक्सरसाइज होती हैं जो आपका इंटरनली आपको प्योर बना देती है, मतलब इंटरनली आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनको साफ कर देती है। बेसिकली देयर आर थ्री सब्सटेंसेस इन आर बॉडी, फर्स्ट वात, सेकंड पित्त एंड थर्ड कफ। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इफ देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस, अगर इन तीनों का प्रॉपर बैलेंस रहे हमारी बॉडी में, तो हम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। नेक्स्ट आता है वी मे रिमेन हेल्दी। नीति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और तटक, ये एक कुछ योगिक एक्सरसाइजेज हैं या सत्कर्मास इसको आप कह सकते हो, जो करने से हमारी इंटरनली बॉडी सही हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर अपने आसपास देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में क्या होता था, कि वो लोग एक एक पट्टी होती है, वो जो डॉक्टर वाली पट्टी होती है उसको, बहुत बड़ी होती है मेरे ख्याल से, बहुत कई मीटर की होती है, उसको पूरा खा जाते हैं, खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, और एंड में वो जो पॉइंट है उसको पकड़ लेते हैं, फिर तो उसके बाद वो पूरी पट्टी निकालते हैं, मतलब अंदर जितना भी आपका बेकार खाना वगैरह है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ पड़ा हुआ साइड में, वो सारा उस पट्टी से निकल कर आ जाता है। वो उससे भी आपका इंटरनली जितने ऑर्गेनाइज सही हो रहे हैं। प्लस एक आपने देखा होगा कि जो एक वो लोटा लेकर भी क्या करते हैं, इस नाक में पानी डाल के दूसरे से पानी निकालते हैं, फिर इस वाले से डाल के दूसरे से निकालते हैं, तो जिससे क्या होता है इंटरनली आपके ये नोज और ये माइंड की जितनी भी नसें हैं वो सारी सही हो जाती हैं। तो वो है, एक और होती है क्रिया जिसमें आप नोज के इस होल से आप डाल हाँ नोज के इस होल से आप डालते हो, और वो एक रबड़ सा, और वो आपके माउथ से निकलता है, यानी नोज से डालकर आपके सेम उस पाइप से निकलता निकलता माउथ से निकलेगा, जिससे वो क्लीनलीनेस हो जाता है, मतलब ये भी सब क्रिया में आता है, इंक्लूड होता है। तो पहला पॉइंट हुआ फिजिकल प्योरिटी हो जाती है योगा करने से। सेकंड आता है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज। हाँ, अगर आप योगा करोगे तो बचे रहोगे आप डिजीजेज से, क्योर एक तो क्योर भी करेगा प्लस प्रिवेंशन भी करेगा। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, अगर बीमार होते हैं, कोल्ड होता है, एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयां ही लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी ठीक हो जाती है ये सारी चीजें, आपको मेडिसिन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये चीजें आपको क्योर भी करेंगी प्लस प्रिवेंशन भी करेंगी, बचाएंगी भी डिजीज से। कई सारी योगी एक्सरसाइजें इंक्रीज करती है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, अपने इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है योगी एक्सरसाइज रेगुलरली, ही कैन नॉट फॉल प्रे टू डिजीज, उसको कभी जिंदगी में डिजीज नहीं होगी। आपने कभी देखा होगा कि जितने भी योगा करने वाले लोग हैं उनको एज कम्पेयर टू हमारे हमारे कंपेरेटिव में उनको ठंड नहीं लगती, उनको ज्यादा ठंड नहीं लगती, ज्यादा जल्दी बीमार नहीं होते, या कोई जिम भी जाते हैं फिजिकली कहीं भी इन्वॉल्व रह रहे हैं, उनको जल्दी इतनी तबीयत खराब नहीं होगी जितना दूसरे लोगों की हो जाएगी जो नहीं जाते हैं। कुछ आसन हैं जैसे वज्रासन जो है डायबिटीज सही करता है, अलार्ज नंबर डिजीज सच एज ब्रोंकिटिस, साइनोसिटीज, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फीवर, हार्ट अटैक, स्ट्रेस, बैक पेन, ये भी कई सारी योगी एक्सरसाइजेज से हम ठीक कर सकते हैं, यानी ये क्योर भी करता है, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज। थर्ड पॉइंट आता है रिड्यूस मेंटल टेंशन। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब भी करेंगे, आप आंख बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका जितना भी मेंटली स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आता है ये मेंटल टेंशन को खत्म करता है, जिसमें एक्सरसाइज हम क्या क्या कर सकते हैं, मकरासन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन, भुजंगासन, ये कुछ आसन हैं जो कि स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज करते हैं। फोर्थ आता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी। हाँ, आप एक्सरसाइज करोगे फिजिकली, आप योगा एक्सरसाइज जितनी भी आसन्स को ट्राई करोगे, तो आपकी बॉडी की ब्यूटिफिकेशन मतलब बॉडी की शेप जो है अच्छी बनती जाएगी। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी बिकॉज इट इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन अ सोसाइटी। अब अगर आपके पास ब्यूटीफुल बॉडी होगी तो सामने वाले या बाकी लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे। तो योगा करने से क्या होगा, एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, इससे आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो,
Nowadays obesity is common. आजकल मोटापा बहुत कॉमन हो चुका है. Everybody wants to be slim because overweight people do not feel comfortable in our society. Various yogic asanas are best suited to get rid of this problem. अगर obesity है तो ये भी यानी योगा भी क्योर करता है obesity को, यानी वेट लॉस करने में योगा हेल्पफुल है. योगासना मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट. मयूरासना इज हेल्पफुल फॉर फेशियल ब्यूटी. मयूरासना से आप फेशियल ब्यूटी जितनी अगर आप निखारना चाह रहे हो मयूरासना से निखर जाएगी. फिफ्थ, प्रोवाइड रिलैक्सेशन. यानी कि अगर आपने शवासन कभी किया होगा, स्ट्रेट लेट के आप आंख बंद करके धीरे से शांति माहौल में आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका रिलैक्सेशन जितना माइंड में है, माइंड में कोई टेंशन है इधर उधर की फालतू की, वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी, वो टेंशन हट जाएगी. तो यानी आपको ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. मेंटली काम का टेंशन हो या आफ्टर सम टाइम हम थक जाते हैं तो आप आराम से आके लेटते हो तो वो आपका टेंशन फ्री हो जाते हो आप. सिक्स्थ, हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर ऑफ द बॉडी. आप जितने भी योगिक एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी जितनी भी बॉडी पॉस्चर अगर खराब है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो पॉस्चर, बॉडी का पॉस्चर एकदम स्ट्रेट हो जाता है. आपने कितनों को देखा होगा कि अगर जो वो योगा कर रहा है तो वो उसका बॉडी का पॉस्चर, खड़े होने का, बैठने का, उसका पॉस्चर अलग होगा. बाकी जो है वो नॉर्मल है, तो झुक कर बैठेंगे या हमेशा टेंशन में रहेंगे, तो लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, बॉडी पॉस्चर एकदम सीधा रहेगा और वो टेंशन फ्री होगा. तो यानी कि योगा से आप बॉडी पॉस्चर भी करेक्ट कर सकते हैं. सेवन्थ आता है योगा परफॉर्म इजीली, बहुत इजीली हो जाता है. एक तो योगा एक्सपेंसिव नहीं होता, आप कहीं भी कर सकते हो, आप पार्क जा रहे हो तब भी कर सकते हो, जिम अगर आप जा रहे हो उसमें मशीन्स वगैरह आप नहीं कैरी कर सकते हो, बट योगा में क्या कर सकते हो, आप कहीं भी गए आप योगा इजीली परफॉर्म भी कर सकते हो. एक्सपेंसिव नहीं है, आपको मैट वैट की जरूरत होती है, बट अगर आप पार्क में कर रहे हो तो आप योगा उसके बगैर भी कर सकते हो और ये इजीली परफॉर्म कर रहा है, मतलब हार्ड एक्सरसाइज नहीं है ये, कोई भी चाहे तो कर सकता है, बट डिपेंड कर रहा है कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब हर कोई योगा भी कर सकता है. इंटेंस वर्कआउट पे अभी नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल बता रहा हूँ. इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट. योगा करते ही लोग ज्यादा इसीलिए हैं ताकि उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहे. आपने जितने भी योगा एक्सरसाइज करते हुए लोगों को देखा होगा जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, वो स्प्लिट कर लेते हैं लेग्स को, वो डी बन जाते हैं इजीली, वो जितनी भी एक्सरसाइज है, क्योंकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ जाती है योगा की एक्सरसाइजेस करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने से. मतलब अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो हर कोई आपको रिकमेंड करेगा. आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च करना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें कौन सी फिटनेस चीज करनी चाहिए. जिम वगैरह सारी चीजें छोड़ के, वेट ट्रेनिंग छोड़ के, आपको कहेंगे योगा आपको करना चाहिए. क्यों? योगा इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी, तो यानी कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा. इसमें आप कर सकते हो चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, ये आपके बेनिफिशियल रहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए. इससे मसल भी फ्लेक्सिबल होगा इन आसनों से. रिड्यूस ओबेसिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वेट लॉस करने में हेल्प करेगा. इलेवन नेक्स्ट आता है इम्प्रूव योर हेल्थ. आपकी हेल्थ बड़ा सही करेगा आप, क्योंकि कभी भी बीमारी नहीं हो रही है, प्लस आप और एक्सरसाइज करे जा रहे हो तो आपकी बॉडी और स्ट्रांग हो रही है, तो आपकी हेल्थ ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगी. आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो आप इन कंपेरिजन टू वो लोग जो नहीं उठा पाते थे उतना सामान, आपकी स्ट्रेंथ मसल की बढ़ चुकी है, अब आप वो काम कर पा रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे. जो मुश्किल मुझसे मुश्किल टास्क थे वो आप इजीली परफॉर्म कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी हो चुकी है. दैट्स इट. नेक्स्ट है योगा एज एन इंडियन हेरिटेज. ये आपको मैं पार्ट टू में समझा दूंगा, अभी थोड़ा आगे चलते हैं. एलिमेंट्स ऑफ योगा, जो कि मैं आपको पहले बात कर रहा था, एलिमेंट्स ऑफ योगा, योगा में क्या क्या एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट यम, सेकेंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहारा, सिक्स धरना, सेवन्थ ध्यान और एट्थ समाधि. मैं आपको अभी थर्ड पढ़ा रहा हूँ आसन, तो बाकी जो है वो सेकेंड पार्ट टू में करेंगे, अभी थर्ड है आसन. आसन के बारे में बताता हूँ. यम जो है फर्स्ट है, सेकेंड नियम है, थर्ड नंबर पे आता है आसन. तो आसन जो है हमारा थर्ड लेवल पर आएगा. आसन का मतलब होता है पोजीशन या पोस्चर ऑफ दी बॉडी. आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है का मतलब ही सिर्फ आसन है. इसका मतलब आप इजी पोस्चर में बैठ पाओ, आप किसी भी इजी पोस्चर में बैठे हो वही एक आसन है.
अब ये हम क्यों करते हैं? टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, आसन का मतलब टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल एजाइल यानी और यंग दिखने के लिए, यानी कि जो भी योगा का सहारा ले रहा है वो फ्लेक्सिबल रहेगा और यंग दिखेगा। अगर वो 40 ईयर्स का है तो वो आराम से 30-32 तक का दिखेगा योगा एक्सरसाइज करने से। अब आसन से लोग यहाँ बुक जो कह रही है, आसन का मतलब लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये ही एक योगा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये आसन परफॉर्म करने का मतलब नहीं कि आप ये योगा कर रहे हो। योगा बहुत बड़ी चीज़ है, बार बार आपको बोल रहा हूँ। योगा में कई टाइप्स के आसन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि करेक्टिव आसन, रिलैक्सिव आसन और मेडिटेटिव आसन। ये तीन टाइप के आसन इंक्लूड होते हैं। दीज टाइप ऑफ आसन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये तीनों आसन अलग अलग टाइप के तीनों डिफरेंस है और अलग अलग टाइप के बेनिफिट देते हैं। आसन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम यंग टू ओल्ड एज विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी आसन को कोई भी कर सकता है, छोटे से छोटे बच्चे लेकर से बड़ी लोग भी, यानी ज्यादा एज वाले लोग भी आसन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ देते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ आसन। अब आसन तो हमने सुन लिया, अब आसन से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, क्योंकि अब आसन करोगे, अब जो मैं बता रहा हूँ वो आपको एकदम रटना नहीं है, बुक में जो लिखे सेम वही लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आपको बस समझो, प्रैक्टिकली सोचे कि जब आसन कोई कर रहा है तो उससे क्या क्या चीजें होंगी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको सोचना है, आसन जब कोई कर रहा है तो हाँ उसकी बोन और ज्वाइंट्स ये सही रहेंगे, यानी उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी बोन्स। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, बोन्स एंड ज्वाइंट बिकम स्ट्रांग। वो जितनी बार भी आसन करता रहेगा तो उसके बोन्स, हड्डियाँ और ज्वाइंट्स यानी जोड़ मजबूत रहेंगे। वो ज़्यादा सालों तक वो इजीली, यानी कई लोगों का आपने देखा नहीं कि कुछ एज ज़्यादा बढ़ने के बाद उनके घुटने पेन करने लग जाते हैं और वो कहते हैं हमारे घुटने जवाब दे गए, हमारे जोड़ों में पेन होने लग गया। तो लेकिन जो एक्सरसाइज करता है उसकी ये ज्वाइंट्स और बोन्स की प्रॉब्लम नहीं आती। सेकेंड है, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, मान लो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, वो हाथ पैरों के साथ हेल्प लेके कर रहे हो, तो जितनी बार भी आप वो उस पोजिशन में होल्ड रख रहे हो तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मसल आपके स्ट्रांग बन रहे हैं। थर्ड आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी का नॉर्मल हो जाता है। अगर मान लो कि स्पीड में बढ़ता था पहले, ब्लड बहुत तेज जाता था या ब्लड बहुत धीरे 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 जाता था, अब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, जितने भी आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आपका ब्लड जो है नॉर्मल हो जाएगा बॉडी का। फोर्थ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकम एफिशिएंट। आपने योगा में देखा होगा सारी की सारी ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस ब्रीदिंग, यानी सबसे इम्पोर्टेंट योगा में ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग ही आप करते रहोगे तो ब्रीदिंग मेन आपका लंग से आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है। तो ब्रीदिंग अगर आप अच्छी हो रही है का मतलब कि आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रांग हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो बस रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकम एफिशिएंट। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आपका पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो था, इम्यून सिस्टम वीक था, आप डाइजेस्ट जो भी खाना खा रहे थे वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बट अगर अब आप योगा करने लगे हो तो उससे आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी सही हो जाएगा। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनली ऑर्गन सारे सही हो जाते हैं योगा क्रियाज करने से। तो यानी ये करने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, इम्यून सिस्टम अच्छा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एफिशिएंट हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, मसल स्ट्रांग हो गए, बोन और ज्वाइंट स्ट्रांग हो चुके हैं। सिक्स, नर्वस सिस्टम इज काम्ड एंड स्ट्रेंथन। नर्वस सिस्टम मतलब कि आपका माइंड फोकस रहेगा किसी एक चीज पे। आप मोटिवेशन, आप मेडिटेशन करोगे इसके अंदर, आप शवासन करोगे, क्योंकि आपको माइंड योगा करने के लिए आपको माइंड एकांत एकत्रित और एक जगह करना पड़ता है। तो आप जितनी बार वो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का काम करना बेस्ट हो जाएगा, वो एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएगा योगा करने के बाद, तो नर्वस सिस्टम बेस्ट रहेगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी दिमाग की। आप दिमाग पर ज़्यादा जोर डाल के और सारे काम ले सकते हो दिमाग से। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब जितना भी हमारे बॉडी में वेस्ट होता है आसन करने के बाद, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जितने भी हैं वो एफिशिएंटली काम करेंगे। एज अ रिजल्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, लैक्टिक एसिड्स,
एसिड्स, फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट्स, ये जितने भी एक्सीडेड ये क्विकली एक्सक्रीट हो जाएंगे और प्रॉपरली हो जाएंगे, विच इज़ हेल्पफुल इन डिलेइंग फटीग, फटीग होने से हम जल्दी बच जाएंगे। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ है, ये आपको बता चुका हूँ, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। और ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर एक्टिविटी स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपरली, मतलब जितने भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर हॉर्मोन्स इन मोर क्वांटिटी विच आर कलेक्टेड सो दैट दे मे बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ डेथ। यानी जितने भी ग्लैंड्स हमारे हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा बना देंगे और वो हॉर्मोन्स हमारे स्टोर हो जाएंगे एक जगह, और जब भी हमें उन हॉर्मोन्स की नीड होगी वो तभी यूज़ करेंगे। तो योगा करने से आपके हॉर्मोन्स भी बढ़ते हैं। द डिमांड ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड, इंसुलिन की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। आसन आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग बैलेंस इन आर बॉडी। तो खत्म है, अभी इतना ही करते हैं, बाकी मैं सारी की सारी चीज़ें पार्ट टू में डाल दूंगा। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तो चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत कुछ पड़ा हुआ है अभी। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट पार्ट टू में सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है, तो आप पीछे आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी पॉइंट में, आप या तो मुझे कमेंट में पूछ दो या मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो आपकी डाल दूँ। और हाँ, हो सके मेक श्योर कि आपने मेरी पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।